बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 3.2 क्वेश्चन तो करेंगे 3.3 के क्वेश्चन भी करेंगे आज हम इस वीडियो में, ठीक है। आज 3.2 हमारा खत्म हो जाएगा और फिर 3.3 के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो पहले क्वेश्चन है हमारा बेटा 3.2 का क्वेश्चन नंबर 21, ये दोनों एमसीक्यू क्वेश्चन है और करने हैं। एक क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 दोनों एमसीक्यू हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 पहले हम करते हैं। द रेस्ट्रिक्शन ऑफ एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइन आर। आपको ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं और कह रहा है कि ये कंडीशन है आपके पास, एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। ये कुछ ऑर्डर दिए हैं, मतलब एक्स का ऑर्डर जो है वो ये है, वाई का ये है, जेड का ऑर्डर ये है, डब्ल्यू का एंड ये पी का। तो बताना है कि आपको इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा और हमें इसके लिए कुछ कंडीशन भी दी है उसने। क्या कहा उसने? पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इसका यूज कर सकते हैं हम। देखते हैं पी पी मैट्रिक्स हमारे पास जो है पी वाई, तो पी के लिए हमें दिया था बेटा एक्स वाई जेड डब्ल्यू। पी के लिए हमें उसने दिया बेटा, वो दिया हमें पी इंटू के, ये दिया हमें पी इंटू के, ये तो हो गया इसके लिए। और उसने कहा वाई के लिए, और वाई के लिए हमें दिया बेटा उसने किया थ्री इंटू के, ठीक है बच्चे। तो यहां से हम देख रहे हैं कि जो के है वो किसके इक्वल है, थ्री के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। हम जब इसको इंटू करेंगे तब ये मैट्रिक्स थ्री बाई थ्री की होगी, मतलब कि इसको इंटू कर सकते हैं कि जब के कितना होगा यहाँ पे थ्री होगा, तो हम बोल सकते हैं के की जो वैल्यू है बेटा यहाँ पे वो क्या है थ्री है और ये इसके बराबर है। तो के यहाँ से मिला बेटा हमें थ्री, के तो थ्री मिल गया हमें यहाँ पे। ऑप्शन में देखते हैं तो के थ्री यहाँ भी है और के थ्री बेटा यहाँ भी है। तो ये आप तो ये ऑप्शन तो होने का नहीं है, ना ये और ना ये ऑप्शन, या तो सी होगा या ए होगा। तो अब देखते हैं हम क्या करेंगे। तो हमने पी वाई का तो सॉल्व कर लिया है, ऐसे यहां पे हम करते हैं सॉल्व बेटा डब्ल्यू वाई के लिए। डब्ल्यू वाई डब्ल्यू के लिए हमारे पास बेटा ऑर्डर है एक्स वाई जेड, डब्ल्यू के लिए हमारे पास आएगा एन इंटू थ्री, एंड वाई के लिए हमारे पास ऑर्डर था बच्चे थ्री इंटू के, ये हमारे पास ऑर्डर है। तो पी वाई भी हमने सॉल्व किया, तो के हमें यहां से क्या मिला बेटा, के इज इक्वल टू थ्री एंड पी इज इक्वल टू के। तो हम यहां कर सकते हैं बेटा कि W एंड Y, W का ऑर्डर दिया बच्चे हमें कितना n इंटू थ्री, एंड Y का दिया बच्चे हमें थ्री इंटू के। तो यहां से हमारे पास जो i निकल के वैल्यू बात आई कि n इंटू के है हमारे पास क्या इसका ऑर्डर, किसका पी वाई का। ये तो हमारे पास किसका बच्चे इसका हो गया, मतलब कि हमारे पास ऑर्डर हो गया p इंटू के का ऑर्डर हो गया, क्या हो गया p इंटू के का। तो यहां से हमारे जो वैल्यू निकल के आएगी हम लिख सकते हैं कि पी वाई का जो ऑर्डर था वो था बेटा कितना P इंटू के, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से P इंटू के, ये तो पी वाई का ऑर्डर है। और डब्ल्यू वाई का ऑर्डर हम लिख सकते हैं क्या, देखें हम बेटा जरा इसको देखते हैं। तो n इक्वल टू किसके, k के इक्वल है, n किसके, k इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं इसको n इंटू के, ठीक है बच्चे n इक्वल। तो k इंटू के, अब इसको हमें ऐड करना है, दोनों मैट्रिक्स क्या बेटा बराबर है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं तभी आप ऐड कर सकते हो उसको। तो पी इंटू के एन इंटू के, तो यहां से बेटा आपको मिला कि P तो बराबर है N के और K बराबर है बेटा K के, और K की वैल्यू हम बेटा फाइंड कर चुके हैं थ्री। तो ऑप्शन हमारे पास बेटा कौन सा है, K बराबर थ्री एंड P बराबर N, ये ऑप्शन, ठीक है बेटा। इसको ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा, ठीक है बच्चे, ये इसका आंसर है। बच्चे क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 22 का ये आपसे एमसीक्यू है, इसको यूज करके आपको इस एमसीक्यू का बेटा जवाब देना है। इफ एन बराबर पी देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज, और आपको कहना है ऑप्शन कौन सा हो सकता है इसमें। तो देखो कहता है 7x, एक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या है बेटा 2 इंटू एन, ये है 2 इंटू एन, एंड माइनस का क्या है 5z, क्या रहा बेटा 5z कह रहा है। तो 5z का हमारे पास जो है तो 5z है हमारे पास, तो z का हमारे पास है बेटा 1 2 3, 2 इंटू पी। अब यहां भी बेटा देखो नंबर ऑफ 2 शुरुआत हो रही है, यहां भी नंबर ऑफ 2 शुरुआत हो रही है, मतलब n बराबर पी तो ऑलरेडी दे रखा उसने, तो हम क्या रखते हैं यहां पे, यहां लिखेंगे क्या अब 2 इंटू एन 2 इंटू पी बराबर है। तो यहां पे 2 इंटू एन इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दोनों यहां पे रो बेटा बराबर है, तो लिख सकते हैं यहां पे 2 इंटू एन, मतलब लिखने तरीका क्या होगा, कभी भी बेटा पहले 2, मतलब कि हम कह सकते हैं क्या
टू इंटू मतलब रो तो हमारे पास दो है ही, हमारे पास कॉलम कितने, हमारे पास एन है और एन बराबर पी है, तो टू इंटू एन हमारे पास क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला हमारे पास आंसर आएगा इसके पास ऑप्शन नंबर टू। टू से शुरुआत कर रहा है एंड पी इसके हमारे पास इक्वल है, तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम तो टू इंटू एन, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी होता ऑप्शन, ये भी तो ऑप्शन दे रखा है ये, तो क्या होगा टू इंटू एन होगा ऑप्शन, ये हमारे पास आंसर है इसका। बच्चों एक्सरसाइज 3.3 शुरू करते हैं आज। पहला क्वेश्चन है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब इसमें ट्रांसपोज बोला है, ट्रांसपोज देखते हैं बेटा क्या होता है, एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांसपोज बेटा है, आपको एक ए मैट्रिक्स दी हुई है, मान लो 1 2 3 4, एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं पहले थोड़ा सा, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये हमारे पास रो होते हैं, ये कॉलम, तो ट्रांसपोज क्या होता है, एक सिंबल होता है हमारे पास, क्या सा टी दिखाएंगे ट्रांसपोज, या तो डैश दिखाएंगे, या तो आप इसको ए डैश दिखाओगे या फिर ए टी लिख के दिखाओगे, दोनों का मतलब ट्रांसपोज होता है यहाँ पे, ठीक है, या तो ये दिखाओ या ये। तो ट्रांसपोज में होता है बेटा जो रो है ना बेटा वो कॉलम बन जाएंगी और जो कॉलम है वो रो, देखो ये रो है ना तो ये कॉलम हो जाएगा, ये भी रो थी ना तो ये कॉलम हो जाएगा। तो क्या होता है, तो ट्रांसपोज क्या होता है, नंबर ऑफ रो चेंज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, देखो ना ये तो रो थी ना बेटा एक कॉलम बन गया, देखो ये देखो 1 2 ये रो थी कॉलम बन गया, इसे बोलते हैं ट्रांसपोज, नंबर ऑफ रो इंटू इंटरचेंज बाय नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑफ ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज होता है। अब देखते हैं जरा क्वेश्चन बेटा वाला सामने, हमारे सामने पहला पार्ट दिया बेटा कि आपको ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज करते हैं, तो ये हमारे पास कॉलम दिया है तो ये रो हो जाएगा 5 1/2 -1, तो ये ट्रांसपोज हो गया बेटा। नंबर ऑफ कॉलम चेंज या नंबर ऑफ रो चेंज, या तो कॉलम चेंज करो या रो चेंज करो बेटा बात वही होती है, ठीक है ना, अगर कॉलम चेंज होगा रो में तो भी वही है, अगर रो होगा कॉलम में तो भी बात वही है, तो कॉलम को चेंज किया बेटा मेरा रो में तो ये क्या ट्रांसपोज निकल गया, ये पहले पार्ट का आंसर है। दूसरा बेटा इसका भी ट्रांसपोज देखते हैं, ये बेटा रो है ये कॉलम हो जाएगा, ये रो है ना देखो 1 -1 रो है तो कॉलम हो जाएगा 1 -1, ऐसे देखो ये भी रो है तो ये भी कॉलम हो जाएगा 2 3, तो ये बेटा इसका आंसर हो गया सेकंड वाले का, ठीक है ना, चेंज कर दिया देखो रो से कॉलम, ये रोती ये कॉलम बन गया, ये रोती ये कॉलम बन गया, ठीक है बच्चे। ऐसे इस वाले से करते हैं थर्ड वाले का ट्रांसपोज, तो -1 ये देखो रो है ना बेटा, चेंज कर रहा हूँ इसको 5 6, ऐसे ये रो है तो ये कॉलम √3 5 6, ये रो देखो ये कॉलम बन गई, ऐसे ये रो कॉलम बन जाएगी 2 3 -1, ये देखो बेटा ये रो थी ना देखो ये रो से ये कॉलम बन गए, देखो -1 5 6 -1 5 6, ये रो थी कॉलम बन गई √3 5 6 5 6, ये रो थे कॉलम बन गया √2 3 √3 -1, ये आपके तीनों बेटा आंसर, पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, ये होता है बेटा ट्रांसपोज, इसे बोलते हैं बेटा ट्रांसपोज। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3.2 का, 3.3 का सॉरी 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। इफ ए जो मैट्रिक्स है वो है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 एंड बी मैट्रिक्स आपके सामने बेटा -4 1 -5 1 2 0 एंड 1 3 1, और आपसे कह रहा है पहला पार्ट प्रूफ करना है, देन वेरीफाई ए प्लस बी सम ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये आपको शो करना है। तो ये एलएस पार्ट है, करते हैं चलो इसको, पहला पार्ट है हमने ए प्लस बी निकालना है ना, पहले ए प्लस बी ट्रांसपोज तो बाद में निकलेगा, पहले ए प्लस बी निकालेंगे, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है ये बी मैट्रिक्स है, तो प्लस करना है बेटा -1 -4 -5 -1 +2 +1 3 3 + 3 -5 -2, प्लस कर रहे हैं 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9, ऐड करना है, ठीक है ऐड कर रहे हैं ना, तो -1 और -4 -+2 + 1 3 and 3 - 5 - 2, -5 + 1 6 7 + 2 9 and 9 + 0 9, -2 + 1 माइनस का 1, प्लस माइनस बेटा माइनस होता है ना, एंड 1 + 3 4 एंड 1 + 1 2, ये हमारे पास आता है ए प्लस बी। अब उसने कहा था बेटा ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आएगा ए प्लस बी ट्रांसपोज बाय, अभी ट्रांसपोज बताया था मैंने आपको, नंबर ऑफ रो चेंज टू नंबर ऑफ कॉलम, इसको चेंज करेंगे हम रो को कॉलम में 5 3 -2, फिर ये 6 9 9, फिर ये -1 4 2,
तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज है। ए प्लस बी का पहले बेटा सम किया हमने, बाद में ट्रांसपोज निकाला है। रो को चेंज किया कॉलम में, देखो ये रो चेंज हुई कॉलम में, माइनस फाइव थ्री टू माइनस टू सिक्स नाइन नाइन एंड माइनस वन फोर एंड टू। तो इसको बेटा यहाँ पर रख लेते हैं, थोड़ा काम आएगा यहाँ पे। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज माइनस की फाइव थ्री माइनस टू सिक्स नाइन नाइन माइनस वन फोर टू। तो ये हमारे पास बेटा इसका ट्रांसपोज आया था थोड़ा सा स्पेस की वजह से। अब हम ये पार्ट ढूंढ लेते हैं, हमारे पास LHS आ चुका है। LHS जब हम ये पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं, अब हम करेंगे बेटा सॉल्व फॉर पार्ट RHS। अब देखते हो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो A ट्रांसपोज का है प्लस B ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज हम निकाल सकते हैं यहाँ से, रो को चेंज कर देंगे। ठीक है ना, A का ट्रांसपोज कर रहा हूँ, रो को चेंज कर रहा हूँ कॉलम में। देखो ये रो थी, ये कॉलम, ऐसी ये रो, ये कॉलम, ऐसी ये रो, ये कॉलम, प्लस बी का ट्रांसपोज, बी है मैट्रिक्स ट्रांसपोज कर रहा हूँ, सेम ये भी रो को चेंज कॉलम में, अब दोनों को क्या करना है बच्चे, ऐड करना है, बस खाली ऐड कर देते हैं दोनों क्या करना है बच्चे, ऐड करना है। तो ऐड करते हैं, तो माइनस वन प्लस माइनस फोर माइनस के फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स, माइनस टू प्लस वन माइनस का वन, टू प्लस वन थ्री, सेवन प्लस टू नाइन, वन प्लस थ्री फोर, थ्री प्लस थ्री माइनस का फाइव माइनस के टू, नाइन प्लस जीरो नाइन, वन प्लस वन बेटा टू। ये हमारा बेटा RHS है। अब देखो बेटा ये LHS था पहला पार्ट और ये RHS पार्ट है। देखो दोनों इक्वल आए कि नहीं आए, चेक करते हैं। माइनस फाइव सिक्स माइनस वन, माइनस फाइव सिक्स माइनस वन, थ्री नाइन फोर थ्री नाइन फोर, माइनस टू नाइन टू माइनस नाइन टू। ये आपका पहला पार्ट प्रूफ कर दिया हमने LHS बराबर बेटा RHS। ठीक है बेटा, सेकेंड पार्ट का सेम ऐसी है, एक बार आप प्रूफ करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स बताएंगे कि कौन कौन बच्चे प्रूफ कर सके, क्या इसका आंसर था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस खाली आपको क्या है ट्रांसपोज निकाल के ए प्लस बी का और इजिकल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकाल के आपको चेक करना है कि LHS बराबर RHS है नहीं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट आप जरूर करें इसका एक बार, थोड़ा सा आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हाँ मैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर। ये एक मैट्रिक्स है माइनस वन टू थ्री फाइव सेवन नाइन माइनस टू वन वन, ये एलिमेंट दिए मैट्रिक्स में, और बी में बेटा माइनस वन माइनस फोर वन माइनस फाइव वन टू जीरो एंड वन थ्री वन, ये आपको दिए गए हैं एलिमेंट। और आपको ये प्रूफ करना है कि ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है मैं अपनी पिछली वीडियो बता चुका हूं अच्छी तरह से, तो एक बार और देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को। तो पहले है हमारे पास LHS, क्या हो रहा है बेटा ए माइनस बी कहता है का, पहले तो ए माइनस बी निकाल लेते, ट्रांसपोज तो बाद में निकल जाएगा। मतलब कि ए में से बी मैट्रिक्स को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, माइनस वन और माइनस करना है इसको, तो माइनस माइनस प्लस फोर, तो कितना आएगा बेटा, चलो आपको मैं लिख के दिखा देता हूं, माइनस वन फाइव माइनस टू टू सेवन वन थ्री नाइन वन, सब्ट्रैक्ट करना है बेटा माइनस फोर वन माइनस फाइव वन टू जीरो वन थ्री वन। तो जो हमें सब्ट्रैक्ट इसे करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो करते हैं सब्ट्रैक्ट बेटा, माइनस वन माइनस माइनस प्लस, प्लस का फोर और फोर माइनस वन कितना हो बेटा थ्री, तो पहला एलिमेंट थ्री आएगा, टू माइनस वन वन आएगा, थ्री माइनस माइनस प्लस फाइव, थ्री प्लस फाइव बेटा एट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो थ्री माइनस माइनस प्लस फाइव, फाइव प्लस थ्री एट हो गया, फाइव माइनस वन फोर, सेवन माइनस टू फाइव, नाइन माइनस जीरो नाइन, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री,
वन माइनस थ्री माइनस टू एंड वन माइनस वन जीरो। तो ये हमारे पास बेटा a माइनस बी आया। उसने कहा था a माइनस बी का ट्रांसपोज, तो हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, a माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या था, रो इंटरचेंज टू कॉलम एंड कॉलम इंटरचेंज रो, मतलब हम रो से क्या करेंगे बेटा कॉलम बनाएंगे, इस रो को हम चेंज करें कॉलम में आ जाएगा, ये रो भी चेंज करें कॉलम में और ये रो से बेटा कॉलम में आएगा। तो रो क्या है बेटा, ये रो है देखो, ये कॉलम में आएगी, थ्री वन एट, देखो बेटा ये रो बेटा क्या बन गई, कॉलम बन गई, इसे बोलते हैं बेटा क्या ट्रांसपोज। ऐसे ये रो बेटा कॉलम बन जाएगी, फोर फाइव नाइन माइनस थ्री माइनस टू जीरो। तो ये हमारे पास बेटा a माइनस बी का ट्रांसपोज आ गया। हमने LHS पार्ट सोल्व किया है, अभी हमने बेटा क्या करना है, हमने RHS सोल्व करना है, देखना दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते। तो चेक करते हैं, चलो जी बेटा इसको थोड़ा सा मिटो देते हैं, हमारे पास ये पोर्शन तो आ ही चुका है जो हमें LHS पार्ट चाहिए था, तो हमारे पास ये पोर्शन आ गया फिलहाल। तो हमने क्या करना बेटा, a ट्रांसपोज और माइनस बी ट्रांसपोज निकालना है, तो ये RHS पार्ट है। तो पहले हमने ए ट्रांसपोज निकाला, ए ट्रांसपोज क्या बेटा, रो इंटरचेंज टू कॉलम माइनस वन टू थ्री, हमने क्या किया रो से इसको कॉलम में चेंज किया, ऐसे फाइव सेवन नाइन, फाइव सेवन नाइन एंड माइनस टू वन वन। देखो बेटा जितनी भी रो थी ये क्या हो गई, ये कॉलम बन गई, ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम एंड ये रो ये कॉलम, इसे बोलते हैं बेटा ट्रांसपोज। ऐसे ही उसने कहा था, अब माइनस के लिए बी ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, तो पहले बी ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। ऐसे ये भी रो हो जाएगी कॉलम बेटा, वन टू जीरो वन थ्री वन। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज आ चुका है। अब जैसा उसने कहा था ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, अब हमें क्या करना है बेटा, माइनस करना है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। हमारे पास ए मैट्रिक्स थी माइनस वन फाइव माइनस टू टू सेवन वन और थ्री नाइन वन, माइनस करना है बी मैट्रिक्स ट्रांसपोज वाली को, माइनस फोर वन माइनस फाइव वन टू जीरो वन थ्री वन। ठीक है बेटा, इसको जब माइनस करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास, माइनस वन माइनस फोर। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो कितना बचेगा, प्लस के फोर में से वन जाएगा तो थ्री बचेगा, ठीक है, फाइव माइनस वन बेटा फोर आएगा, ठीक है ना। चलो जी माइनस टू और माइनस कर माइनस के थ्री, टू माइनस वन वन, सेवन माइनस टू फाइव, वन माइनस थ्री माइनस टू, थ्री माइनस फाइव। अब देखो माइनस माइनस प्लस, थ्री प्लस फाइव एट हो गया, ठीक है बेटा, देखो ना थ्री है यहाँ पे और माइनस माइनस प्लस, प्लस फाइव और प्लस थ्री बेटा एट हो जाएगा, नाइन माइनस जीरो नाइन, वन माइनस माइनस जीरो, वन में से वन गया जीरो। अब देखो बेटा हमारे पास जो पार्ट आया था ये हमारे पास LHS था, ये RHS हमने सॉल्व किया है, तो देखते हैं बराबर आया कि नहीं आ रहा, थ्री फोर माइनस थ्री, थ्री फोर माइनस थ्री, वन फाइव माइनस टू, वन फाइव माइनस टू, एट नाइन जीरो, एट टाइम जीरो। तो हमने प्रूफ कर दिया कि LHS इज इक्वल टू बेटा RHS, और यही हमें क्या बेटा प्रूफ करना था। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, इफ आपकी ओर आपको एक ट्रांसपोज दिया है, पहले आपको मैट्रिक्स ए देता था, आपकी ओर ट्रांसपोज दिया है, अच्छी बात है, चलो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन आया है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बेटा क्या दिया मैट्रिक्स, थ्री फोर एलिमेंट माइनस टू टू, सॉरी थ्री फोर माइनस वन टू एंड जीरो वन, ये आपको एलिमेंट दिए हैं ए मैट्रिक्स के। बी बेटा माइनस वन टू वन, वन टू थ्री, देन वेरीफाई दैट, आपको पहले पार्ट में बोला है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बेटा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, आपको प्रूव करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे, तो पहले हमारे पास क्या है वही LHS पार्ट है, इसके लिए पहले मैं आपको बता दूं कि एक फॉर्मूला होता है ए ट्रांसपोज का, ट्रांसपोज निकालोगे तो वो बेटा ए के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना फॉर्मूला, ए ट्रांसपोज का जब तुम ट्रांसपोज निकालोगे तो वो ए के बराबर होता है, ए मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो आपको जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे ए की, इसलिए पहले ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल के आप ए मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, तो यहाँ निकालते रहो बगल में बेटा, आपको ठीक रहेगा समझ में आएगा। तो क्या है बेटा ए ट्रांसपोज,
तो ए इसका हमें क्या करना है बेटा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है, मतलब किसको चेंज करना है, रो से कॉलम बनाना है इसको, 3 4 माइनस 1 2 0 1। देखो बेटा ये हमने इसको चेंज कर दिया, हमने इसको क्या करना बेटा कन्वर्ट कर दिया, ये रो से देखो पहली रो थी पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये निकल के हमारे पास ए मैट्रिक्स आई है। ठीक है, हमने इसको कन्वर्ट किया। अब हमारे पास LHS पार्ट प्रूफ करना है, a प्लस बी, तो चाहिए हमको a प्लस बी। तो a प्लस बी के लिए हमारे पास a हमारे पास आ चुका है 3 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 0 एंड 4 2 1, और प्लस b, b क्या कहा था बेटा, b मैट्रिक्स हमारे पास है -1, b है हमारे पास -1 2 1, 1 2 3, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। ठीक है, ए हम निकाल चुके हैं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करके हम ए निकाल चुके हैं, एंड प्लस बी कहा तो बेटा हमारे पास बी ऑलरेडी दे रखा है -1 2 1 एंड 1 2 3, तो इसको बेटा ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, देख लेते हैं जरा सा हल्का सा एक बार, तो 3 प्लस -1 तो कितना, 3 में से बन गया बेटा 2, -1 और +1 तो बेटा 1 बचेगा, 0 प्लस 1 1 आएगा बेटा, 4 प्लस 1 बेटा 5 आएगा, 2 प्लस 2 बेटा 4 आएगा, और 1 प्लस 3 4 आएगा। तो हमारे पास ये निकल के हमारे पास क्या आया, a प्लस बी आया। अब उसने कहा था a प्लस बी का ट्रांसपोज, क्या कहा बेटा, ट्रांसपोज बोला है, आधी बात तो पूरी करनी पड़ेगी ना बेटा, a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो a प्लस बी हमारे पास वो है, ट्रांसपोज जब करेंगे बेटा तो क्या बन के आएगा हमारे पास, जब ट्रांसपोज करेंगे तो आप पढ़ चुके हो कि रो इंटरचू चेंज टू कॉलम है ना, तो आपको रो को चेंज करना पड़ेगा कॉलम में। देखो ये रो थी ना, क्या हो जाएगा कॉलम, 2 1 1 5 4 4, तो ये आपके पास बेटा आता है a प्लस बी का ट्रांसपोज। थोड़ा साइड में लिखते हैं इसको बच्चे, थोड़ा काम आएगा हमारे पास ये। ठीक है, चलो इसको मिटो देते हैं क्योंकि हमारे पास a ट्रांसपोज का काम a का खत्म हो चुका है। तो हमने ये तो पार्ट निकाल लिया a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हमें उसने कहा था RHS, तो RHS के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहां मैं RHS पार्ट निकाल देता हूं, RHS पार्ट, तो A ट्रांसपोज तो हमारे पास बेटा आ चुका ऑलरेडी दे रखा है उसने, आपको B का ट्रांसपोज चाहिए, तो पहले B ट्रांसपोज निकाल लो। जब B ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या निकल के आएगा बेटा, -1, वही चीज आपको जब A प्लस बी निकालना है ना, A ट्रांसपोज प्लस बी, आपको दोनों को ऐड करना है, तो A का ट्रांसपोज तो आपके पास बेटा है बट B का ट्रांसपोज नहीं है, तो पहले B का ट्रांसपोज कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद दोनों को बेटा हम एडिशन कर देंगे। तो B ट्रांसपोज के लिए बेटा हम क्या करेंगे, पहले क्या है, रो चेंज हुई कॉलम में, -1 2 एंड 1 और 1 2 3, ये तो आपके पास बेटा चेंज हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज करना है हमको, तो लगाते हैं यहाँ पे A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज हमारे बेटा 3 4 -1 2 0 1, और प्लस बी ट्रांसपोज हमारे पास बेटा है -1 1 2 2 1 3। अब दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है तो क्या करेंगे बेटा, 3 माइनस 1 कितना होगा बेटा 2, 4 प्लस 1 5, देखो बेटा ना यहाँ पे 3 माइनस 1 2 4 प्लस 1 5, मैट्रिक्स प्लस हो रहा है ना यहाँ पे, -1 प्लस 2 प्लस का 1 2 प्लस 2 4 0 प्लस 1 0 और 1 प्लस 3 4। अब देखो बेटा ये हमारे पास LHS पार्ट था एंड ये हमारे पास बेटा RHS पार्ट है, तो देखते हैं कि बराबर आए हैं कि नहीं, इक्वल 2 5 2 5 1 4 1 4 एंड 1 4 1 4, तो हमने प्रूफ कर दिया है कि LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमने प्रूफ कर दिया, ये पहले पार्ट का आंसर होगा। ठीक है बच्चे,